यो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ आपका अपना राघव और वेलकम बैक। हम आज फिर से खेल रहे हैं अपनी डिज़ाइनर सिटी, जिसमें मैंने अपनी गोलोक सिटी बनाई हुई है। और अभी आप देख सकते हैं, मैंने अपनी जो हाईवे से कनेक्टेड जो दूसरी सीशोर सिटी है, वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी लेक बनाई, जिससे हमें मिल गया न्यू अचीवमेंट रिवर मास्टर 2, जिसमें हमें 2 स्टार मिले। और स्टार वार तो चलते रहते हैं, पर रिवॉर्ड देखो, $10,000। $10,000 मतलब अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लगाएं तो $1 इज इक्वल टू इंडियन 70 रुपीज़ होता है। तो अगर हम पहले 10 जोड़ दें, इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। मतलब मुझे 7 लाख मिल गए एक लेक बनाने के। और मैं आपको सच में बता रहा हूँ, इस लेक बनाए मेरा $1 खर्च नहीं हुआ। बस मैं लोगों को बोल दिया खोद दो, और उन्होंने खोद दिया और मेरे को 7 लाख रुपए मिल गए। हाँ, और अब इसे हम हटाते हैं। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, और हमारी सिटी में आप ये देख सकते हैं पहले इतनी फैली हुई नहीं थी, अभी मैंने बनाई। और अब पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा ये वाला, ये जो आप अभी लेक देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये लेक आपको वो नहीं दिख रही होगी, पर आज मैंने ये लेक बनाई है तभी मेरे को रिवर मास्टर का मिला है अवार्ड। और हमारी बारिश रुक चुकी है, अब देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। ये हमारा हाईवे है, यहाँ पे मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे लेक्स काफ़ी हैं, मुझे ये अच्छी बात लगी। और वो वाली सिटी की जो लेक है वो मेरे ख्याल से नहीं, वो सेकंड सबसे बड़ी लेक है जो मैंने बनाई है। फर्स्ट सबसे बड़ी लेक अभी हमारी सिटी में द टेंपल लेक है। मैं भी जगहों का नाम लेने लग गया हूँ, ये टेंपल के एकदम पास है, इसलिए इसे टेंपल लेक भी आप कह सकते हैं। और बाकी हमारी सिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। आज पैसे थोड़े कम हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या ख़रीदा है। मैंने वो मेन सिटी में एक बर्गर बार बनाया है, और यहाँ पे ये देखिए, आप पिछली वाली वीडियो में आपने अगर नहीं देखा तो जल्दी जा कर देखिए कि यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, ये जो अपार्टमेंट्स हैं उसके साथ में जो ऑफिस है उसके पीछे जो स्क्वायर है, वो मैंने पहले नहीं ख़रीदा हुआ था, और वो मैंने $300,000 में ख़रीदा। 300,000 मतलब सीधा सीधा 3 लाख, और उसको फिर 10 से करें यानी 30 लाख, और फिर उसके बाद भी अगर हम उसको 7 से करें तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, 2,10,00,000 रुपए मेरे लग गए सिर्फ और सिर्फ ये एक स्क्वायर ख़रीदने में। और बार बार ये मेरी, ये जो भी हैं क्या कहते हैं, सिटीजन से कंप्लेंट कर रहे हैं अनसफिशिएंट है, तो इस सिटी में शायद मैंने पुलिस स्टेशन नहीं बनाया हुआ, तो आज पुलिस स्टेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम यूटिलिटीज़ में जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रीज, डेकोरेशंस, कम्युनिटी। कम्युनिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं पर कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं, तो अभी मैं एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन बना देता हूँ। इसको एक्सेस करने की रोड चाहिए, इसलिए हम यहाँ बना देते हैं अपना पुलिस स्टेशन। थोड़ा सा गलत लग गया। जी हाँ, ये एकदम बढ़िया जगह है। देखिए हमारा बन चुका है, अब हम देखते हैं किसी बंदे को जॉब चाहिए या फिर नहीं। ओहो, हमें और ज़्यादा लोग चाहिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मेरे पास बंदे कम हैं, जॉब्स ज़्यादा हैं, इसी वजह से कुछ चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं।
ठीक है, अटेंटिव होस्ट। वाह, आज तो मेरे को लेवल 2 ही सब कुछ हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? अब ऐसे काम करते हैं, एक पुलिस हेडक्वार्टर्स तो होने ही चाहिए, तो हेडक्वार्टर हम बना देते हैं, इसी सिटी में बनाएंगे, क्योंकि उस सिटी में ज़्यादा जगह नहीं है, तो इस सिटी में हम बरकत बार के साथ नहीं बनाएंगे कि, तो हम बनाते हैं अपना पुलिस हेडक्वार्टर्स। मुझे मिल नहीं रहा पुलिस, ये रहा 35 एम्प्लॉयज। अब आप देख ही सकते हैं कि अब मेरे को और ज़्यादा लोगों को लाना पड़ेगा अपनी सिटी में, क्योंकि अब मेरे पास 200 से भी ज़्यादा जॉब्स हो गई हैं और बंदे कम हैं। ये देखिए हमारा पुलिस हेडक्वार्टर्स, उसके साथ मिलिट्री बेस। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं कि पुलिस स्टेशन से कोई मिलिट्री बेस जाना हो या कुछ भी हो तो वो आराम से जाए। रोड तो एक सीधी रोड निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक। अरे ये मैंने क्या कर दिया, उसको हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पुलिस हेडक्वार्टर्स बन चुका है, मिलिट्री बेस से कनेक्ट भी हो चुका है, और हम और पुलिस हेडक्वार्टर्स बनाएंगे। और आपने जैसा कि अभी देखा, आपने नोटिस किया होगा कि पुलिस हेडक्वार्टर्स पहले $20,000 का था, अब पूरे के पूरे $30,000 का हो गया। पर पुलिस हेडक्वार्टर्स जान देते हैं, हॉस्पिटल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। उस सिटी में भी शायद हॉस्पिटल नहीं है, तो हम उस सिटी में भी बनाते हैं, और इसको हम एकदम लेक के साथ में रखते हैं। यहाँ पे मोनोरेल भी है। ओ, फायर सर्विसेज आर अनसफिशिएंट, तो हम फायर सर्विस भी बना देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ज़रूर फायर स्टेशन बनाऊँगा और बहुत सारे लोगों को भी अपनी सिटी में लाऊँगा। लगभग लगभग 3,000 लोग अगली वीडियो में, हो सकता है शायद 3,000 लोग हमारी सिटी में रहे। वैसे मैं ज़्यादा बोल लिया, घर बनाए में भी बहुत पैसा लगता है, मैंने बहुत सारे घर पहले बना दिए हैं, इसलिए मुझे और पैसे देने पड़ेंगे, और हमारा लेवल अप भी होने वाला है, तो अगली वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। बाय बाय फ्रेंड्स।